और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आरएसएस में, खासतौर पे देश के विभाजन पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है, विभाजन स्वीकार किया ताकि खून की नदी ना बहे। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया है ये, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मरना पड़ा तो मरेंगे। मोहन भागवत ने कहा है अब दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे। आरएसएस प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि जो विभाजन था वो एक वेदना है, और खास तौर पे एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था, न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख ही नहीं। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है, वो ये कहती है कि तुम अलग हो इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।